खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रहलाद बंदवार के हत्याकांड ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। मंदसौर की जनता और बंदवार परिवार की पुनः जांच की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक विशेष जाँच दल का गठन किया, जिसमें 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गयी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक भोपाल 3D निवास वर्मा, सहायक पुलिस महानिरीक्षक राजीव मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री पवन मिश्रा, निरीक्षक श्रीमती ज्योति शर्मा, श्री मुख्तार कुरैसी को इस विशेष जांच दल में सम्मिलित किया गया। विशेष जांच दल कल रविवार देर शाम को अपनी पूरी टीम के साथ मंदसौर पहुंचा और उसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान को जाकर जाँच दल ने देखा। उसके बाद टीम वहाँ से चली गयी। आज विशेष जाँच दल एक बार फिर उसी स्थान पर पहुँचा जहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या हुई थी, जिसके बाद विशेष जांच दल ने अपने स्तर पर अपनी जांच की कार्यवाही शुरू की और आसपास के रहवासियों और दुकानदारों से भी जानकारी ली। उसके बाद विशेष जांच दल वहां से निकल गया और सीधा स्वर्गीय प्रहलाद बंदवार के घर पहुंचा, जिसके बाद विशेष जांच दल ने अपने जांच की कार्यवाही शुरू की, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और किस पर परिवार को शंका है उसकी भी जानकारी ली और इसके बाद विशेष जांच दल वहां से रवाना हो गई। बोला आपको किस पे डाउट है या आपकी क्या बात है? वो बात हमने रख दी, हमने जैसे बताया उनको कि मदर के मतलब कि जब हत्या उसके 10 मिनट बाद जो कहानी मार्केट में आई थी वही पुलिस ने सुनाई हमको 3 दिन बाद। फर्स्ट सेकेंड जितने भी CCTV कैमरे थे उनकी फुटेज आज तक नहीं बताई गई। तीसरा यह कि एक दो लोगों के नाम दिए थे हमने कि इनको गिरफ्तार करो क्योंकि इनके पास पूरी कहानी है, उनको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अगर गिरफ्तार नहीं किया यानी कि उनके पीछे कोई राजनेता उनको बताना चाहते तो उनका नाम सार्वजनिक कर। खबर समय जगत के लिए मंदसौर से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।